नमस्कार, यूनिवर्सल न्यूज में आपका स्वागत है। मथुरा के कोसीकला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 पर एक कार में अचानक आग लगने से 30 वर्षीय महिला की जलकर मौके पर ही मौत हो गई। पति और बच्चा भी बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग वृंदावन से कोसीकला के कोटवन शनि मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे, तभी कार सवार युवक को चौंच करने लगे। कार में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कार में सेंट्रल लॉक लगा हुआ था। महिला को अंदर से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन कार धूं धूं कर जल गई। कार सवार महिला रजनी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आग बुझाते समय हेमराज, पति और 4 वर्षीय बच्चा झुलस गए। घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और मामले की जांच की जा रही है। थाना कोसी के अंतर्गत कोकिला वन मंदिर है, जहां पर दर्शन करने के लिए अपने पति के साथ एक महिला ममता गई थी, जो यहाँ वृंदावन क्षेत्र की रहने वाली है। वहाँ पर यह घटना हुई कि इसके पति का कहना है कि उसका ड्राइवर पेशाब करने चला गया और गाड़ी में गैस लीक हुई। ये अपने बच्चे के साथ थी, बच्चा बाहर था, पति भी बाहर था और उस गाड़ी में आग लग गई, जिसमें महिला काफ़ी बुरी तरीके से झुलसी। इसको झुलसने के बाद जब शीशा तोड़ कर उसको निकाला तो उसको इस पहाड़ पर चुकी थी। ये सूचना पुलिस को सुबह मिली, पुलिस मौके पर गई है, पोस्टमार्टम करके विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। इसको परिजनों को बुलाया गया है। क्या बच्चा भी सर झुलस गया? नहीं, बच्चा झुलसा नहीं, बच्चा पिता के साथ बाहर था, ये महिला ही केवल गाड़ी में बैठी थी, उसका शीशा लाख हो गया। कितनी उम्र हो गई? ये उम्र उसकी लगभग 35 वर्ष है।